हमारे प्यारे बच्चों, माताओं बहनों, हमारे युवा साथी, ये तीसरा वर्ष पूरा हो रहा है संबलपुर संस्कारशाला का। बड़ी मेहनत से इन लोगों ने तीन वर्ष पूरा किया, सेवा किया, आप लोगों को पढ़ाने का काम किया। वास्तव में ये लोग जो काम किए, आदमी जब अच्छा काम करता है तो समाज के लोग सोचते हैं कि इसमें कुछ इनका लोभ छिपा होगा। इन लोगों को भी हमको लगता है कुछ इन बातों का सामना करना पड़ा होगा। जब कुछ अच्छा काम करने चलिए तो समाज का लोग कहेगा इसमें फायदा होगा, जबकि ये बेचारे निस्वार्थ काम किए। और भगवान का काम भी यही है कि आप निस्वार्थ भाव से कोई काम कीजिए तो भगवान का सच्चा भक्त वही है। भगवान का पूजा कितने देर कौन लोग करते हैं वो भगवान का भक्त है कि नहीं, लेकिन जो समाज में अच्छा काम करता है वो सच्चा भगवान का भक्त है। ये पढ़ाने वाले लोग जो भाई आपको पढ़ाते हैं, ये वास्तव में बड़े अच्छे लोग हैं। आप पूछिएगा क्यों अच्छे लोग हैं? आपसे कुछ लेते नहीं है, कुछ मांगते नहीं है, आपको शिक्षा देते हैं, संस्कार भी देते हैं और दूसरे की आलोचना भी सहते हैं। ये तो वही हाल है कि हम अच्छा काम भी करें और दूसरे का आलोचना भी सहें। कुछ लोग कहते हैं आपको पैसा मिलता होगा, माफ कीजिएगा, ये बेचारे को कोई पैसा नहीं देता है। ये तो अपना नौकरी, अपना करियर, अपना पढ़ाई लिखाई करके जो समय बचता है वो आपके लिए लगाते हैं, इनको कोई पैसा नहीं देता है। या और तो और अपने ही पॉकेट से पैसा लगा के आपके लिए व्यवस्था भी बनाते हैं, पढ़ाते भी हैं, संस्कार भी देते हैं और अपने पॉकेट से पैसा भी लगाते हैं। ऐसा बेवकूफ आदमी आज के जमाने में कहीं खोजने से भी नहीं मिलेगा। लेकिन दिक्कत है कि बेवकूफ तो बेवकूफ है, बेवकूफ को तो हमेशा समाज ने बेवकूफ कहा है, इन बेचारों को भी वो बात सुनना पड़ता है, ये तो बेवकूफ है ही। अगर समझदार होते, आज के अनुसार होते, चालाक होते तो फायदे में होते बेचारे, लेकिन घाटा सहते भी दूसरे का शिकायत सुनते हैं कि इन्हें कुछ मिलता है ना। ये बेवकूफ लोग ही भगवान के भक्त होते हैं। जो बहुत होशियार होता है भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं, बेवकूफ लोग से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो बहुत चालाक होता है, चालाकी करता है, हमेशा चालाकी की बात सोचता है, समझिए वो भगवान को भले ही अगरबत्ती दिखा दे, सामने दिया दिखा दे, लेकिन भगवान जानते हैं कि बहुत चालाक आदमी है और चालाक आदमी के पास भगवान नहीं जाता है। ये बेवकूफ लोगों के पास भगवान आते हैं और ये बेवकूफ लोगों को फायदा भी मिलता है। अब कई लोग जो आपके यहाँ संस्कारशाला में पढ़ाते हैं, किन्हीं को रेलवे में हुआ, किन्हीं को और जगह हो रहा है, अच्छे अच्छे जगह पर जा रहे हैं। इसलिए याद रखिए, ये बेचारे जो आपका सेवा कर रहे हैं इनको आप कुछ दीजिए या ना दीजिए, हम ये निवेदन जरूर करेंगे, खासकर माताओं से जिनके बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, इनको सम्मान जरूर दीजिए। ये नहीं कहते हैं कि हमको सम्मान चाहिए, ये तो सम्मान के भूखे भी नहीं है, लेकिन अगर अच्छे काम करने वालों को समाज में सम्मान न मिले तो वो दुर्जन लोगों का समाज कहा जाता है, अच्छे लोगों का समाज हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम अच्छा समाज बना रहे हैं तो अच्छे काम करने वाले इन लोगों को इतना सम्मान मिले कि इन्हें लगे कि नहीं, हम जो अच्छा काम कर रहे हैं समाज हमसे प्रभावित है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जिनके बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं वो हृदय से इनको सम्मान करें, हृदय से इनको प्यार करें। या आप ही के बच्चे, कल आपके भी बच्चे अच्छा काम करेंगे तो उसी तरह ये आपके ही बच्चे हैं जो ये काम कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव परमनीय माता जी की असीम अनुकंपा है, ये भाई लोग साधक भाव से ये काम कर रहे हैं और ये भाव भीतर से आता है, कोई थोप के किसी को नहीं पढ़ा सकता है, दो दिन चार दिन पढ़ा सकता है, आजकल तो पैसा लेके भी मास्टर लोग नहीं पढ़ाते, लेकिन निस्वार्थ भाव से ये लोग जो पढ़ा रहे हैं ये उसी रूप में है, भगवान के काम करने वाले हैं। और आप जानते हैं कि भगवान के नाम लेने वालों से ज्यादा भगवान अपने काम करने वालों से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ये काम करने वाले लोग हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि ये जो भाई हैं इनके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी और ये कम में भी इतना आनंद में रहेंगे। बड़े बड़े महल में रहने वाले लोग भी उतने आनंदित नहीं होंगे जितना ये कम में भी रहकर मस्त हो जाएंगे। इनके जीवन में वो कला आ गया है, इनके जीवन में वो विज्ञान आ गया है कि भगवान की कृपा है कि आपके बीच ये पढ़ा रहे। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं बड़े संस्कारी लगे, आज इतने छोटे छोटे बच्चे हैं कहीं से कोई आवाज नहीं आ रहा है। दूसरे जगह आप चले जाइए,
बड़े लोग भी बैठते हैं तो खुआ आ जाता है। अभी हम वही देख रहे थे उस समय से, इतनी शांति, छोटे छोटे बच्चे इतने शांत बैठे हुए हैं, ये आप यही दर्शाता है कि इन लोगों ने कितना मेहनत किया होगा। ये मेहनत का फल दिखता है जो सामने में दिखाई पड़ रहा है। ये बड़ी भगवान की कृपा है कि हम युवा प्रकोष्ठ की ओर से तीसरे वर्षगांठ के रूप में ये संदलपुर संस्कार शाला के भाइयों को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि वो ये कार्य कर रहे हैं और प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ का नाम चारों तरफ फैल रहा है। इसमें संस्कार शाला का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे कई क्षेत्रों में संस्कार शाला चल रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में भी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ का संस्कार शाला हमें सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। हम और जगह भी जाते हैं लेकिन यहाँ का संस्कार शाला की बात नहीं करता, ऐसा मत सोचिए। अगर पीछे में भी जाके कहूंगा ये बात, यहाँ के जो शिक्षक लोग भी हमें लगे, इनके बॉडी लैंग्वेज, इनके चेहरे का हाव भाव, ये लगा कि नहीं वास्तव में ये बेचारे बड़े हृदय से और अंदर से ये भगवत कार्य कर रहे हैं। करते तो सभी लोग भगवत कार्य ही है लेकिन यहाँ के लोग थोड़े विशेष अच्छे लगे, ये बड़ा प्रभावित किया। भगवान इन सभी के जीवन में उज्ज्वल भविष्य लाए। और एक बात और मैं फिर बार दोहराना चाहूंगा, इनको कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता है, इनको कहीं से कोई अनुदान नहीं मिलता है, इनको कहीं से कोई पैसा देने वाला नहीं है। ये निस्वार्थ भाव से आपको पढ़ाते हैं और ये भगवान का काम समझ के आपको पढ़ाते हैं और ये काम ये करते रहेंगे। ये कहीं चले भी जाएंगे तो अपने जगह दो भाई को खड़ा कर देते हैं, इसलिए कहा हुआ चलता रहेगा, भगवान का काम ये रुकेगा नहीं। इसी शुभकामना के साथ दिन प्रतिदिन ये संस्कार शाला और उन्नति करे। आप छोटे छोटे बच्चे भी भारत के भविष्य के रूप में सामने हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत बात आपके समझ में भी अभी नहीं आएगा, लेकिन जब आप बड़े होंगे, थोड़ा सा बड़े होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बचपन में ये जो अच्छाई वाला हमको विचार मिला था वो कितना अच्छा था। लोग पूछेगा ये विचार कहाँ से आपके जीवन में आया, तो आप निश्चित रूप से कहिएगा कि गायत्री परिवार का एक संस्कार शाला चलता था जिसमें हमारे सर लोग हमको संस्कार देते थे, हम आज वो संस्कार से इतने अच्छे हुए हैं। तो आप सभी के जीवन में उज्ज्वल भविष्य, सभी का जीवन मंगलमय हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।